Welcome dear students in RJ Education Hub online classes. Today we study about chemical properties of phenol. In previous videos we see the chemical property of phenolic group, in which we see the acidic nature of phenol. In continue, acidic nature of phenol एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के रीजन जो है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एसिडिक नेचर, इसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट रीजन देखा था रेजोनेंस, सेकेंड अपन ने इसमें स्टडी किया था दैट इज ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज. Today we study third region, that is presence of electron releasing group and presence of electron withdrawing group. That means presence of minus I or minus R, minus plus I or plus R group on phenolic group. So first of all we see the effect of electron releasing group. That is phenol which have a hydrogen, that is acidic hydrogen. You can easily see it. If in benzene ring electrons density is increased, that means on benzene ring if electron releasing group is attached, just like we can say there will becomes a CS3 group, that is methyl group, which have plus I effect or plus R effect. Mostly in ring we use plus R effect, and acyclic compound mostly use plus I effect, that is inductive effect. Trading प्रभाव कहते हैं, ये resonance होता है, क्या होता है, resonance प्रभाव कहलाता है, resonance effect कहलाता है. CH3 group जो होता है इसका plus R प्रभाव काम करता है या plus I प्रभाव वर्क करता है. सो ये क्या करता है, benzene ring में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज. So, electron density increase in benzene ring. Benzene ring में electron का घनत्व क्या हो जाएगा, दान करने वाला है, दान करेगा तो इसमें क्या होगा, density increase हो जाएगी. So, there will be acidity. Also affected, acidity जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी. acidity डिक्रीज किस कारण से होगी, उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. That means acidity directly proportional to plus I and directly proportional to minus I effect. Plus I effect वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिटी का मान क्या होगा, कम होगा. अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है ग्रुप के साथ में तो एसिडिटी क्या होगी, अधिक पाई जाएगी. डेट मीन्स माइनस आई ग्रुप जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. क्या कहेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एंड प्लस आई इफेक्ट जिसमें शो किया जाता है दीज टाइप सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. कौन से कहलाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं.
अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक ट्रिक है अपने पास में, दैट विल बी इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज, यानी इनकी संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉरी रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं रिंग के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस रिंग में से अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाते हैं तभी एच प्लस आयन यहाँ से रिमूव होता है, बट ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगा, एच प्लस आयन होगा वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, और एच प्लस आयन अगर यहाँ से रिमूव नहीं करना है उस कंडीशन में एच प्लस आयन नहीं निकलेगा, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इसकी लो हो जाएगी, और एसिडिक नेचर लो होने का मतलब है एसिडिटी का मान क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। देखिए अगर आप ERG ग्रुप लेते हैं तो इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, डायरेक्टली आप देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल है, दैट इज फिनॉल, ओके, ए कंपाउंड, सेकेंड इज OH एंड CH3, दैट इज ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, इसी का नाम क्या है, ऑर्थो क्रिसोल, क्या कहते हैं इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर अपन ने स्टडी किया था, वहां पर इसका नाम देखा था, क्या कहलाता है, ऑर्थो क्रिसोल, ओके। थर्ड इज दैट इज बी, आपको ऑर्डर देखना है किस स्टेप से इसके अंदर पिकअप होते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉलोइंग कंपाउंड का एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, आपको कंपाउंड गिवन है ABC and D, आपको चार कंपाउंड यहाँ पर गिवन है ABC and D, उनके आपको क्या करने हैं, एसिडिक प्रवृत्ति का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का क्रम क्या होगा, तो आपको देखना है OH ग्रुप फिनोल है, इसमें से H कहाँ फास्ट निकलता है, कहाँ स्लो निकलता है, कोई एसिडिक प्रवृत्ति कहलाएगी, दैट विल बी CH3 ग्रुप, इट हैव CH3 ग्रुप, इट हैव CH3 ग्रुप, सेम बट पोजिशन चेंज, दैट इज कॉल्स ऑर्थो पोजिशन, दैट इज मेटा पोजिशन क्रिसोल, और दैट इज पैरा क्रिसोल, क्या है ये, पैरा क्रिसोल कहलाता है, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल अपने को दिए हुए एग्जाम्पल है, ऑर्थो क्रिसोल मेटा क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल आपको गिवन है, एसिडिटी का आपको क्रम बताना है, ऑर्डर मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप देखिएगा, ट्रिक क्या होगी, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट है, अब CH3 ग्रुप का यहाँ कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट वर्क करता है एसिडिक नेचर के लिए, रिएक्टिविटी के लिए, सो देयर विल बी जिसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा उसमें एसिडिक नेचर क्या होगी, उसकी दो पाई जाएगी, यानी इसके बेस पर आप देखें तो इनडायरेक्टली है, देखिए सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, OH ग्रुप में कोई सब्सिट्यूएंट विद्वान नहीं है, तो इस दैट मीन्स इसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, इन तीनों से क्या पाई जाएगी, लो होगी, दैट मीन्स सबसे लो एसिडिक नेचर किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बात करें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो सबसे कम किसका होगा, ए वाले का, ए वाले से अधिक किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा, देखिए आप ऑर्थो मेटा एंड पैरा में अगर बात करें तो जो पोजिशन होती है मेटा वाला जो सब्सिट्यूएंट अपने पास में है, उस मेटा वाले में अगर अपन बात करें तो मेटा वाली जो पोजिशन होती है वो मोर एसिडिक प्रवृत्ति की होती है बजाय किसके, ऑर्थो और पैरा की तुलना में, दैट मीन्स OH जो ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप है OH, ये कौन सी कंडीशन में यूज हो रहा है, दोनों में देखें तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन दो है, OH ग्रुप से ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है, ये बिल्कुल नियरेस्ट है, डेंसिटी क्या होगी,
डेंसिटी पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ में डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। एज वेल एज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन OH ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डेंसिटी विल बी आल्सो डिक्रीज, सो मेटा विल बी मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो वाले में नीरिस्ट है और पैरा वाले में क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के ऊपर विद्यमान है। अगेन ऑर्थो विल बी मोर एंड देयर विल बी पैरा पोजिशन, दैट मीन्स ऑर्थो मेटा एंड देयर विल बी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी मेटा, मेटा विल बी सी, सी विल बी मोर एसिडिक, देन विल बी बी मोर एसिडिक एंड देन विल बी डी मोर एसिडिक एंड लोवेस्ट इज ए, सो इट्स एसिडिटी ऑर्डर विल बी दिस। और आल्सो मेटा ऑर्थो पैरा एंड आल्सो फिनॉल, ओके, दिस टाइप क्वेश्चंस इज आल्सो कम्स इन दिस टाइप क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज। एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर जस्ट लाइक CH3 या अदर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण इसकी एसिडिटी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं इसके अंदर, इसी ग्रुप में अगर आप इसमें चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह कौन सा लगाएं, लिजिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देख ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, फिनॉल ऑलरेडी वही है, ए वाला कंपाउंड है, यहाँ पर मैंने अब चेंज कर दिया है और यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया है NO2, नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया है फिनॉल के अंदर, दैट इज ऑर्थो पोजिशन, कौन सी पोजिशन है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, दैट इज मेटा नाइट्रो फिनॉल, कौन सा ये मेटा नाइट्रो फिनॉल और इट इज पैरा नाइट्रो फिनॉल, दैट इज पैरा नाइट्रो फिनॉल। व्हाट विल बी द एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर अपने को यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ फिनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी डियर स्टूडेंट्स इन दिस यू सी द ग्रुप विच आर अटैच विद फिनॉल, दैट इज NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप है NO2 ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को रिंग में से खींचने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन सी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी रिंग के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो ये बाहर ले गया, रिमूव हो गया, इसमें कौन सा चार्ज डिकोलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिकोलाइज रिंग में होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के डिकोलाइज होने से इस वाले बॉन्ड में OH के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से इसमें पॉजिटिव चार्ज आने के पश्चात ये वाला रिंग में इसमें डिकोलाइज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, खींचने का मतलब क्या है, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी इसकी वजह से, अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, तो H+ ion क्या होगा इजीली निकल जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में, सो एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी का मान क्या हो जाएगा यानी H+ ion को निकालना क्या हो जाएगा आसान इजी हो जाएगा, तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसके अंदर इजी हो जाती है, एसिडिटी का मान बढ़ जाता है। इसमें अगर क्वेश्चन में अगर पुट अप किया अगर बेस पे देखें ऑर्थो मेटा और पैरा जो डेरिवेटिव अपने मुद्दे रखे हैं, ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव में व्हिच विल बी मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक नेचर का कौन सा होगा, देखिए आप इसमें अगर बात करें किसके बेस पर है, अपन बात कर रहे हैं
ऑन द बेसिस ऑफ ए माइनस आई प्रभाव माइनस इफेक्ट के आधार पर देखें तो सबसे अधिक एसिडिक नेचर का कौन होगा, सबसे अधिक एसिडिक नेचर का बेटा होगा ये पैरा पोजिशन पर। एंड उसके बाद में अगर बात करें तो पैरा पोजिशन इज मोर एसिडिक, उसके बाद में ऑर्थो देन विल बी मेटा और लास्ट में अपने पास में आएगा कौन, फिनोल। ओके व्हाई, बिकॉज माइनस आई वर्क ऑन पैरा पोजिशन फास्टली एंड देन ऑर्थो पोजिशन एंड लास्ट इन मेटा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा कहां होती है, मेटा वाली पोजिशन के ऊपर और ऑर्थो इन ऑर्थो और पैरा वाली पोजिशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कमी आती है, ये वाली डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए क्या होगा इसका आउटर ये मिलेगा। इसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं ए ये वाला बी था, ये वाला ग्रुप अपन ने सी अटैच किया है और उसको मैंने डी माना है, या इसका भी आप ऑर्डर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन से वाला और होगा। यू कैन सी पैरा इज डी, ऑर्डर क्या हो सकता है डी सबसे मोर एसिडिक प्रवृत्ति का होगा, उसके बाद में कौन होगा ऑर्थो वाला दैट मीन्स बी होगा, देन विल बी सी होगा और स्टेज कौन सा होगा अपने पास में ए वाला होगा। ये अपन ने यहाँ पर देखा कि ट्रिक के रूप में अगर बात करें क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज इन रिंग एसिडिटी इंक्रीज, ये अपने पास में इसका ट्रिक बन जाएगा। ओके ये तीन रीजन थे फिनोल एसिडिक प्रवृत्ति का क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल, तो ये अपन ने तीन रीजन इसके वाले में देखे थे, प्रीवियस वीडियो अपन ने देख चुके हैं। आज अपन ने बात की है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डायरेक्टली क्या करते हैं एसिडिटी को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इस वाले में तो क्रिसोल का एग्जाम्पल और इस वाले में नाइट्रोफिनोल का एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके ये पहली प्रॉपर्टी अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोलिक ग्रुप का फर्स्ट एसिडिक नेचर रीजन अपन ने यहाँ पर स्टडी किए हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए फिनोलिक ग्रुप विल बी सी। थैंक यू सो मच।